अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अमृत फैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान को आज़ाद हुए अब 76 साल हो चुके हैं और अब हम 77th ईयर में एंटर हो गए, माशाल्लाह। और कहा जाता है कि नंबर 7 लकी नंबर होता है, हम तो अब 77 में एंटर हो गए हैं। आई होप ये हमारे लिए अच्छा साबित हो और हम पाकिस्तानी इस साल तरक्की जो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो आज की स्टोरी ऐसे ही एक हमारे ब्रदर मुल्क के बारे में है जो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का सबसे तवील पुल बनना था, वर्ल्ड बैंक ने 1 या 2 अरब डॉलर का वादा किया था, मगर फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश वाले करप्ट हैं और यहाँ पर कंपनीज रिश्वत लेती हैं, तो उन्होंने कर्ज़ा कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीरे आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपने ज़राए से पैसा इकट्ठा करके ये पुल बनाने का इरादा किया और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट कंपनी से रुजू किया, तो चाइनीज़ कंपनी एक शॉर्टलिस्ट हुई जो ये पुल बनाने पर राज़ी हुई और पुल बनाने का काम स्टार्ट हुआ जून 2014 में और उसके बाद तकरीबन 8 साल नवम्बर 2022 में ये पुल कम्प्लीट हुआ और इस पुल का नाम रखा गया पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज, जिसमें ट्रेन भी गुजर सकती है और गाड़ियां भी गुज़र सकती हैं। तो ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एशिया लेवल का अगर देखा जाए, और ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ब्रिज है जिसकी डेप्थ है 120 से 127 मीटर्स। तो ये ब्रिज 6.51 किलोमीटर लंबा है, तकरीबन 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर इसकी लागत आई। नवम्बर में एक इतवार की सुबह 6 बजे इसको आम ट्रैफिक के लिए खोला गया और जिसके बाद पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज पे पहले 8 घंटों में कुल 82,19,050 रुपये जमा किए गए। अगले 8 घंटों में पुल के एक और पॉइंट पर 35,29,500 रुपये इकट्ठे हुए और मावा पॉइंट पर 46,89,550 रुपये जमा हुए। एक ही वक्त में 15,200 गाड़ियां दोनों सिरों से गुजरी और आज सिर्फ ये एक मंसूबा बांग्लादेश की मईशत में सालाना 1.3% मुनाफे का हामिल है। इस ब्रिज से उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो बाकी डिसकनेक्टेड एरिया था, डिसकनेक्टेड शहर थे, वो ढाका जो उनका मेन कैपिटल है उससे अटैच हुए। ब्रिज के इफ्तिताह होने के बाद हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज की एक फ्रेम शुदा तस्वीर उनको तोहफे में पेश की। ये थी हकीकी आज़ादी की एक झलक और कौमें इस तरह बनती हैं। दर दर कशकोल लेकर भीख मांगने से तरक्की नहीं होती। हम दुश्मन हिंदुस्तान से तो नहीं सीख पा रहे, कम से कम अपने पुराने हिस्से और अपने भाई बांग्लादेश से सबक हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे मुल्क का ही हिस्सा था। मेरे बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी ज़िंदगी पर रोने धोने के कोई काम नहीं था और हम ही इनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद भी कई बरसों तक आवाम को यही दास्तान सुनाई जाती रही। आज 50 साल बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और हम 76 साल बाद एक से दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.25 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और हमारी 24 से 25 करोड़ है। 20 वर्ष पहले पाकिस्तान रुपए के 1.25 टके मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपया 0.5 टके से भी कम है। बांग्लादेश के ख़जाने में $38 बिलियन और हमारे ख़जाने में $9 बिलियन हैं। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो उसने 3.2 बिलियन डॉलर लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया और हम आज इस बात पर जश्न मना रहे होते हैं कि हमें IMF से $1 बिलियन का कर्ज मिल गया। तो हमने सोचना है कि हमने अपने मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब हम खुद अपने आप को चेंज करेंगे। जब तक हम एज ए नेशन चेंज नहीं होंगे ये मुल्क चेंज नहीं होगा। हमें ऐसे लीडर्स मिलते रहेंगे जो कि सिर्फ अपना सोचेंगे, कौम का नहीं सोचेंगे। और आज से ये कसम कर लें कि हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को खुद चेंज करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, अपनी बारी का वेट करेंगे, किसी काम को करवाने के लिए रिश्वत नहीं देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चेंज करेंगे तो हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दिस इज़ उमर ज़फ़र साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान जिंदाबाद।